पलंग को मैक्सिको के सबसे प्रभावशाली मयान खंडर के रूप में माना जाता है, जो घने जंगल, झरनों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये वास्तुकला की सुंदरता और मयान सभ्यता की रचनात्मकता को रिप्रेजेंट करता है। पलंग के मयान मंदिर अपनी स्थापत्य शैली और सुंदर मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। साइट का निर्माण 226 ईसा पूर्व और 799 एडी के बीच हुआ था। 10वीं शताब्दी के अंत में साइट को अस्वीकार कर दिया गया था। बाद में पलंग खंडर पहली बार 1773 में वापस आया। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल का कुल क्षेत्रफल 1780 हेक्टर है। ये अनुमान लगाया गया है कि केवल 10% साइट को बहाल किया गया है और पलंग का एक बड़ा हिस्सा अभी भी घने जंगल से ढका हुआ है। पलंग के बहाल हिस्से में कई मंदिर, मूर्तियां और बेस रिलीफ नक्काशी है। एक प्रभावशाली पिरामिड पलंग के मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित है और इसमें चित्रलिपि शिलालेख भी है। मंदिर स्थल से मयान राजा पाकल का मकबरा भी खोजा गया था और ये मकबरा साइट के निचले स्तर पर स्थित है। लेडी सैक कुक ने 612 CE शुरू होने से पहले कम से कम 3 साल तक पलंग पर शासन किया, इससे पहले कि वो अपने बेटे को दे देती। हालांकि इन महिला शासकों को पुरुष विशेषताओं का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार ये महिलाएं अधिक मर्दाना बन गए क्योंकि उन्होंने भूमिकाएं ग्रहण की जो आमतौर पर पुरुष भूमिकाएं थी।